ये जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता है जनपद बरेली में पहली बार राज्य स्तर की जो यूथ एज ग्रुप की प्रतियोगिता है जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी आते हैं आयोजित की जा रही है। कल इसका उद्घाटन वन मंत्री श्री अरुण कुमार जी के द्वारा किया गया था। इस प्रतियोगिता में 36 जनपदों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं जिसमें लगभग 150 से अधिक बालक भाग ले रहे हैं और ये प्रतियोगिता 18 तारीख तक संचालित की जाएगी और यहीं पर इस प्रतियोगिता के बाद जो चयनित खिलाड़ी होंगे उनका स्टेट लेवल का कैंप लगाया जाएगा और वो चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने सिक्किम जाएंगे। मैं एसके छेत्री, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन एंड ऑफिस सेक्रेटरी। यहाँ 14 तारीख से 18 तक प्रथम यूथ महिला और पुरुष स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और इसी में से ही उत्तर प्रदेश की टीम का चयन किया जाएगा जो कि यूथ मैन की जो सिक्किम में नेशनल हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेगी और गर्ल्स की भोपाल में जो अगले महीने आयोजित होनी है नेशनल चैंपियनशिप उसमें यूबी की टीम भाग लेगी। ये 14 तारीख से 18 तारीख तक कंटिन्यू चलेगी प्रतियोगिता और ये सबसे खास बात यह है कि पहली बार बरेली ज़िले में बॉक्सिंग का स्टेट लेवल का एक आयोजन हो रहा है। इससे पहले अभी तक तो नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा आयोजन कराया है। यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं मिस आर्यन जी, उन्होंने उनके उससे सौजन्य से और जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन बरेली के सौजन्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम आर्यन है, मैं बरेली बॉक्सिंग एसोसिएशन संघ का सचिव हूँ। इस आयोजन को तय हुए कुछ ही दिन हुए थे, माने 2 तारीख को इस फोन आता है उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ के सचिव, वो कहते हैं कि आपको आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है, आपको करना है। तो मैंने भी हंसते हुए कह दिया कि हाँ ठीक है, हमारे पास बहुत सहयोगी हैं, उनके साथ मिल करके हम करते हैं। तो बहुत ही कम समय हमें तैयारियों का मिला, फिर भी प्रयास हमने करा और अच्छी तैयारी हुई भी। कल इसका 5 बजे उद्घाटन था प्रतियोगिता का। उद्घाटन में अपने ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा दुर्गविजय सिंह साकिया जी का रहना हुआ कार्यक्रम अध्यक्ष के नाते और मुख्य अतिथि के नाते अपने अरुण कुमार जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जी का रहना हुआ। बच्चों के लिए यही संदेश है कि हम तो जितना प्रयास कर सकते थे इन्हें सुविधा देने का वो हमने किया, अब ये खेलें और जीतें और आगे बढ़ें।